अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मसालेदार मटर चॉप्स। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए हैं वो कुछ यूं हैं। ये 750 ग्राम मटर चॉप्स है, एक बड़ी प्याज इसको मैंने स्लाइस कर लिया था, एक चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर, दो चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर एक चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच हल्दी, एक चाय का चम्मच नमक और 1 कप दही, लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, अदरक एक खाने का चम्मच और 4 हरी मिर्चें स्लाइस। अब सबसे पहले मैं एक देशकी लूंगी, 1/2 कप ऑयल ले लूंगी और प्याज स्लाइस डाल दूंगी। लाइट पिंक करना है इसको, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज देखे पिंक हो रही है। ये देखिए प्याज पिंक हो गई है, अब मैं इसको बाहर निकालने लगा। प्याज को मैं पीस लूंगी। प्याज मैंने बाहर निकाल ली थी और उसी ऑयल में अब मैं चॉप्स डाल दूंगी और फ्राई कर लूंगी। मैं इसके अंदर लहसुन एक खाने का चम्मच डाल दूंगी, अदरक एक खाने का चम्मच डाल दूंगी और इसको भून लूंगी। अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी लहसुन अदरक डाल के। हम इसको इतना भूनेंगे गोश्त की स्मेल है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अब हम प्याज को पीस लेते हैं। एक मैंने जग ले लिया, अब इसके अंदर जो मैंने प्याज ब्राउन किया था वो मैं ऐड कर दूंगी, सब्ज मिर्चें ऐड कर दूंगी और 2 टेबलस्पून दही ले लूंगी, इसलिए इसमें डाल दूंगी इसलिए कि ताकि ये मसाला पीस जाए। ज़्यादा नहीं दही डालना, ये 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया। अब मैं इसको पीस लेती हूँ, इसको बंद करके मैं पीसती हूँ। प्याज को पीस लिया था, अब इसको मैं बाउल में शिफ्ट करूँगी। अब इसके अंदर दही डाल दूंगी, गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी, कुटी लाल मिर्च डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी, भुना कुटा धनिया डाल दूंगी, पेपरिका पाउडर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें लहसुन अंदर डाल के इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। मैरिनेट किया हुआ दही डाल दूंगी।
और 1 कप पानी डाल के इसको मिक्स कर दें। कवर करके इसको हल्की आंच पे गलने तक पकाऊंगी। ये देखें, तो चॉप गल चुकी है और अब इसका जो थोड़ा बहुत पानी है उसको हम ड्राई करेंगे। ये बहुत ही मजेदार सी बनती है, चटपटी सी। नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें, बस तकरीबन पानी खुशक हो चला है। आपकी अपनी मर्जी है कि ग्रेवी ज्यादा करनी है या कम करनी है। अगर थोड़ा सा आपने ग्रेवी ज्यादा करनी है तो पानी आप ना खुशक करें, लेकिन मुझे थोड़ा सा तरह इसको ड्राई करना है। ये बहुत मजेदार सी बनती है, जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी किस तरह से लगी है। दावतों के लिए बहुत जबरदस्त डिश है। ये देखें, मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और ये ड्राई हो गया। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालती हूँ। एक डिश ले लिया और अब मैं इसको इसमें डालती जाऊंगी। डिश आउट करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया। हरी मिर्चें और आप पता है हरा धनिया ऊपर डाल लें। मजेदार से मसाला मटन चॉप्स तैयार हैं। आप इसको बनाएं, जरूर बनाएं और अपना फीडबैक दें। ये बहुत ही मजेदार के बनते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।